आज हम बात करेंगे कि एमपीएल के लिए आपने किस तरह से ट्रैकिंग करनी है. सो वी कैन यूज 999 मेथड फॉर एमपीएल ट्रैकिंग. एमपीएल मतलब माइक्रो पीएल लॉन्चेस में डिफरेंट हमारे पास एमपीएल माइक्रो प्लेसेस आ सकती हैं, लाइक यूएई हो गया, दुबई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है. तो इसलिए ये डिफरेंट एमपीएल मार्केट्स हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं अगर आपके पास $5,000 बजट है आपके पास, ठीक है. यानी कि आप पीएल अगर आप नहीं कर सकते तो आप एमपीएल भी कर सकते हैं इस बजट के अराउंड. सो फर्स्ट वी विल डू एटीसी मेथड एंड देन नेक्स्ट डे वी एनालाइज हाउ मच यूनिट सेलर इज सेलिंग. सबसे पहले हम एटीसी मेथड यूज करेंगे, ठीक है. सो नेक्स्ट डे हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारे जो सेलर हैं वो कितने यूनिट्स पर डे सेल कर रहे हैं. एटीसी का मतलब होता है एड टू कार्ट मेथड, ठीक है. द बेसिक पर्पज ऑफ इट टू एनालाइज सेलिंग ऑफ सेलर, आफ्टर दैट वी विल अप्लाई फॉर ट्रिपल लाइन मेथड एप्लीकेशन. सो बेसिकली हम ये इसलिए यूज कर रहे थे ताकि हम ट्रिपल लाइन मेथड अपना यूज कर सकें ट्रैकिंग के लिए, लाइक कितने यूनिट्स हैं इनको डेली की सेल हो रही है. बिकॉज एमपीएल में कोई भी टूल्स वर्कआउट नहीं कर रहे थे, लाइक यूएसडब्ल्यू के में जैसे हम एरिया में जंगल सॉफ्ट को यूज कर रहे थे. सो यहाँ जो एमपीएल मार्केट चले इनके लिए अभी इन टूल को यूज नहीं किया गया, ठीक है. सो ये मार्केट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है. सो यहाँ पे हमें मैनुअली ट्रैकिंग करनी पड़ती है. सो एमपीएल के लिए हम 999 मेथड यूज करेंगे. First, we will analyze the BSR of category. Let's say our subcategory BSR is 5, then we will check other product BSR surrounding it. So, सबसे पहले हम उनका बी एस आर चेक करेंगे, ठीक है. बी एस आर मतलब होता है बेस्ट सेलर रैंक. सो ये भी हमें ना टूल्स में प्रोवाइडेड होता है, ठीक है. लाइक अगर आपके पास की पा एरिया में तो वहाँ पे बी एस आर शोर होते हैं. बी एस आर जो है सेलर की प्रीवियस हिस्ट्री जो उनकी वर्क हिस्ट्री होती है उसी के अकॉर्डिंग इनको प्रोवाइड किया जाता है. जितना अच्छा बी एस आर होगा उतना अमेजोन उसको रैंक करता है, ठीक है. सो लेट सपोज अगर हमारी जो सब कैटेगरी बी एस आर है वो 5 है, ना उसके सराउंडिंग बी एस आर को भी चेक करेंगे, लाइक इनका कितना बी एस आर है. तो वहाँ से हमें आइडिया हो सकता है लाइक इनको कितने यूनिट्स हैं वो डेली के सेल आउट हो रहे हैं. अप्लाई 999 मेथड एट ऑल नीड टू सेलर, जो भी नीड टू सेलर होंगे वहाँ पे आपने 999 मेथड अप्लाई करें. बी एस आर एनालाइजिंग विल डू एस्टिमेशन ऑफ सेलर आल्सो, आल्सो चेक वेदर देयर इज वेरिएशन इन नीड टू सेलर इन बी एस आर कैटेगरी ऑफ सेलिंग यूनिट. सो बी एस आर एनालाइज करने के बाद हमें हमारे जो सेलर की जो सेल्स होती है हम उसकी एस्टिमेशन हो सकती है, ठीक है. लाइक कितने वेरिएशन पे उनको कितनी सेल्स आ रही है और कितनी लिमिटेशन उन्होंने लगाई हुई है अपने सेलर यूनिट्स पे, कितने डेली के वो यूनिट सेल कर रहे हैं. ट्रैकेबल नियरेस्ट एस्टीम ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज लो वेरिएशन नीड टू सेलर एंड लो लिमिटेशन. आपने उनके जो एसिंग जो नियरेस्ट एसिंग होंगे, ठीक है, यानी कि जिसको आप ट्रैक कर रहे हो उसके साथ जो भी प्रोडक्ट होंगे उनके एसिंग को भी आपने ट्रैक करना है, ठीक है. उनको ट्रैक करना है जिनकी लो वेरिएशन हो और उसमें नीड टू सेलर ज्यादा ना हो. लेट्स से आवर नियरेस्ट प्रोडक्ट एसिन हैज सेल्स अराउंड 20-16, देन वी कैन अज्यूम दैट आवर प्रोडक्ट सेल्स कैन बी अराउंड 20-16. ओके, लेट्स सपोज जो जिस प्रोडक्ट को हम ट्रैक कर रहे हैं उसके साथ जो प्रोडक्ट है उसके भी नीड टू सेलर जब उसके जो सेल्स है दैट इज 20-16 यूनिट्स पर डे, देन हम उनको अज्यूम कर सकते हैं कि इनको डेली के इतने यूनिट सेल होते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्टिंग है, ठीक है. सो ये देखिए जैसे यहाँ पर मी टू सेलर इसके 49 मी टू सेलर एप्लीकेबल है. सो हम इसको चूज नहीं करेंगे बिकॉज हमने ये कहा है कि हम उस प्रोडक्ट को करेंगे उसको ट्रैक करेंगे जिसके मी टू सेलर कम होने चाहिए, ठीक है. इस तरह आपको लॉस हो सकता है अगर ज्यादा मी टू सेलर प्रोडक्ट को ट्रैक करोगे. उसके बाद एड टू कार्ट मेथड आपने किस तरह से करें, यहाँ पे आप जो है 999 मेथड लिखोगे और अपडेट कर दोगे. सो अगर इसने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई हुई तो ये आपको बता देगा लाइक इतने यूनिट्स हैं इनके पास, और अगर लगाई होगी देन आपको पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है. ये देखिए यहाँ पे ये सारे मी टू सेलर हो रहे हैं, यहाँ पे आप हम यूज करेंगे, यहाँ से आप इसको यूज. तो लेट सपोज ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. लाइक अगर हम इसको इस प्रोडक्ट को हम ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है. तो हम इसको ना अब हम देखेंगे अच्छे इसमें मी टू सेलर्स कितने हैं. देखिए लाइक यहाँ पे 2 मी टू सेलर यानी कि हम इसको ट्रैक कर सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट मेथड यूज करेंगे. हमने इसकी लिस्टिंग ओपन किया, ठीक है. अब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है. टू कार्ट करने के बाद हम देखेंगे कि इनको डेली के मतलब अगर कोई लिमिटेशन होगी तो हमें पता चल जाएगी ना. इस तरह से हम आइडिया होते हैं कि इनको डेली के कितनी सेल्स हो रही हैं और अगर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो हमें कितनी सेल्स होंगी. वो डे 1 में आपने बी एस आर देखना, ठीक है. 3 प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हो ना, तो लाइक इधर एक का बेस 6 है, एक का 2 है, एक का 7 है. सेल्स हैं दैट इज लाइक अगर 1 प्रोडक्ट की 8 है, सेकंड की 4 है, देन हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम उस प्रोडक्ट को सेल
करेंगे देन हमारे भी डेली के 6 यूनिट सेल होंगे, ठीक है। इस तरह से आपने 3.9 मेथड को यूज करना है ट्रैकिंग के लिए। लेट मी शो यू अ लाइव डेमो कि आप किस तरह से ATC मेथड को यूज कर सकते हो। लेट सपोज अगर हम इसको कंप्लीट करना निकाल के हम जिस भी प्रोडक्ट को देखा जाए दे सॉरी ट्रैक करना चाह रहे हैं तो हम उसके नियरेस्ट एशियन को भी देखेंगे। सर ये स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, तो हम इनको नहीं देखेंगे, हम उनको देखेंगे जो ऑर्गेनिकली रैंक है। लाइक जैसे ये प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिकली रैंक है, ठीक है। सो लेट सपोज अगर आप इसको देख रहे हो आपने इसके लिस्टिंग को ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये इसके वेरिएशन कितनी है, ठीक है, ये वेरिएशन होती है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप इसको जूस करोगे इतनी प्राइस है, वेरिएशन इतनी मी टू सेलेक्ट देखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम ऐड टू कार्ट मेथड यूज करते हैं ना, देन हम वो करेंगे। ओके लेट्स सपोज अगर हम किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी को देख लेते हैं, किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी को हमने देख लिया, ठीक है। अब हम अपने प्रोडक्ट को चूज करेंगे जिसको हम कम्पीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई भी हम चूज कर लेते हैं, लाइक हम इसको देख लेते हैं। ओके सो ये हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको हम कम्पीट करना चाह रहे हैं, हम ट्रैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये देखें जैसे यहाँ पे मी टू सैलरी शो हो रहा है, 9 शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम उसके बाद क्या करेंगे, ATC मेथड यूज करेंगे, हम ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक बिकॉज हम 3.9 मेथड के थ्रू करें, सो हम देखेंगे इनको डेली की कितनी सेल्स होती है, इस तरह से मतलब हमें आइडिया हो सकता है। आपने जैसे ऐड टू कार्ट करना, फिर यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी डेली की सेल्स होती है, ठीक है। इस तरह से आपने ये जो जैसे हम इस प्रोडक्ट को कम्प्लीट कर रहे हैं ना, तो इसके साथ जो भी 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे उनको भी देखेंगे, 3 प्रोडक्ट्स को आपने ट्रैक करना है, ठीक है। तो इस तरह आपको अज्यूम हो सकता है कि आपकी डेली के कितने यूनिट सेल होंगे। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं, जो कि आपके बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से निकालकर डिजिटल बिजनेस की दुनिया में ला सकती है और आपके काम को डिजिटलाइज कर सकती है। हम हर तरह की वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, SEO, WordPress डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसल्टेंसी या वर्चुअल सर्विस चाहिए तो आज ही रابطہ कीजिए WhatsApp 00971-565-499-494 या ईमेल कीजिए info@thereateofpefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रابطہ करेगी।